एमसीबी जिले के महेंद्रगढ़ में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आरक्षण विधेयक को लेकर तमाम बातें की गई। वहीं एनएसयूआई ने कहा है कि राज्यपाल को पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा, जिससे कि राज्यपाल आरक्षण विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर कर सकें। नीरज पांडे के द्वारा कल रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसी तारीख में आज समस्त युवक कांग्रेस एवं एनएसयूआई जिला अध्यक्षों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, जिसमें लेके आपका पोस्ट कार्ड अभियान को लेकर, जिसमें जिसमें हम लोग आज ये तय किया गया है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय हैं और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ जाके हम एक पोस्ट कार्ड सबके लोगों की मन की बात जानेंगे और उसको माननीय पर डाक के द्वारा राज्यपाल जी के पास भेजा जाएगा। अगर राज्यपाल जी इनसे भी अगर आरक्षण बिल पास लेके नहीं तैयार हो, पास नहीं करती है, तो उसको लेके 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम सड़क से लेके सदन तक के महारैली में यहाँ पर हजारों सैकड़ों युवाओं को लेकर रायपुर में कूच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मोहरा के रूप में यहाँ पर रुख कर दिए। इस प्रकार विधायिका में नियम है कि विधानसभा से जो पास हुआ मुद्दा है उसको राज्यपाल नहीं रोक सकती, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक उसका हस्ताक्षर नहीं हो पाया है और वापस यहाँ पर नहीं आया है, जिसके कारण छात्रों में बीएड कॉलेज के जो एग्जाम होने उसमें क्या आरक्षण का नियम लागू किया जाएगा, जो यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हैं उसमें आरक्षण का क्या नियम लिया जाएगा, बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं। इसके कारण हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही जल्द इसमें हस्ताक्षर हो और ये नियम इस प्रदेश में लागू हो, जिससे हमारे जो आदिवासी भाइयों का जो एक हक है और ये प्रदेश आदिवासियों बहुल्य है, इसलिए उनका हक मिलना चाहिए।